बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड इन्जॉइंग योर हेल्थ। सो बेटा, आज हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज 5.1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों ने 8 तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। 9 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे पास ये है कि इसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। डेसिमल को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन हम लोग पहले ये 5 क्लास में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने कहा था जब बार आ जाए तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि बार से पहले माइनस है या प्लस। हमने कहा था अगर बार से पहले माइनस हो तो हमारे पास अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। इफ़ देर इज़ पॉजिटिव इट विल कन्वर्टेड इंटू नेगेटिव, एंड इफ़ देर इज़ नेगेटिव साइन इट विल कन्वर्टेड इंटू द पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे बार से पहले हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन, सो प्लस साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव। अब दो नेगेटिव साइन हमने कहा, हम लोग इंटीजर्स वाले चैप्टर में हमने साइंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था कि किस तरह हम लोग एडिशन करते हैं, किस बेस पर सब्ट्रैक्शन। दो सेम साइन है, सो वी विल ऐड दिस टू वैल्यूज। 2.9 को जब हम लोग 1.2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ये 9, 2, 11, 1 हेयर 1 कैरी, 2 + 1, 1, और ये 3 और 1, 4, ये हमारे पास आ गया 4.1। हमने 4.1 प्लेस कर दिया और साइन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि सेम साइन प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह जब आप अभी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई, सो 5.64 में से हम माइनस करेंगे किसको, 4.1 को। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए हम पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 4 एज इट इज़, 6 - 1, 5, और 5 - 4, 1, और पॉइंट जिस जगह पे जिस प्लेस पे था उसी प्लेस पे हमने रहने दिया, ठीक है। ये अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए आप लोग, हम लोगों ने ये डन हो गया माइनस करके, हमारे पास ये आ गया 1.5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाय 1.54। हम टॉमस रूल जब फॉलो करते हैं तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, डिवीजन सॉल्व करने के बाद हम फिर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बात समझाती हूँ। वैल्यू है हमारे पास 3.85 डिवाइडेड बाय 1.54। ये काम आप लोगों ने बेटा साइड पे रफ पे कर लेना है, क्वेश्चंस को लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करें तो ये आता है 100, ठीक है, और डिवाइड एज इट इज़, और ये भी ख़त्म करके आता है 100। हमें पॉइंट को ख़त्म करना आता है, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन को चेंज करते हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में, और नेक्स्ट फ्रैक्शन का ले लेते हैं रेसिप्रोकल। ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे डिवीजन को चेंज किया किस में, मल्टीप्लिकेशन में, और इस फ्रैक्शन का हमने ले लिया रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये 100 विल बी कैंसल आउट 100, तो अब हम लोगों ने डिवाइड किसको करना है, 385 को डिवाइड करना है किससे, 154 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 385 को 154 से डिवाइड किया, 154 2308 आ गया। 385 में से 308 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर बनता है 770। 770 कितना बनता है कि हमारे पास 15 - 8 = 7, और 7 एज इट इज़ हमने पॉइंट प्लेस किया और यहाँ पे लगा दिया 0। सो 154 × 5 = 770, ये हमारा आंसर आ गया 2.5, ठीक है जी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ एक ऑपरेशन रह गया, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या है, 1.25 मल्टीप्लाई 2.5। पहले हम लोग अपने माइंड में ये रखते हैं कि पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ देर इज़ नो डेसिमल वैल्यू, इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर 125 और 25, और हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 2 कैरी, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, 2 × 1 = 5, 1 × 5 = 5, 5 × 1 = 6, डन। 2 × 5 = 10, 0 × 1 = 2, 2 × 4, 4 + 1 = 5, एंड 2 × 1 = 2, क्लियर। नाउ वी विल ऐड दिस टू वैल्यूज, 5 as it is, 2 + 0 = 2, 6 + 5 = 11, 11, और ये 1 कैरी है हमारे पास, 2 + 1 = 3, आंसर आ गया 3, 1, 2 और 5 में। यहाँ से ये डॉट रिमूव कर दूँ। अच्छा जी, अब आपके पास एक पॉइंट था 1.25 यहाँ पे, और एक था 2.5
फाइव, क्लियर हो गया। हमने अब पॉइंट कैसे प्लेस करना होता है, हम राइट साइड से वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, इसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक जाने कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, वन टू और थ्री, थ्री वैल्यूज़। तो हमने राइट साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है वैल्यूज़ की, और उतनी वैल्यूज़ के बाद हम लोगों ने पॉइंट प्लेस कर देना होता है। ये थ्री वैल्यूज हैं तो वन टू थ्री, थ्री वैल्यू के बाद हम लोग पॉइंट प्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.125। हमारी कर्ली ब्रैकेट भी सॉर्ट आउट हो गई है, अब जस्ट हमने ऐड करना है 3.125 और प्लस टू, टू के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग 3.125 में थ्री के एग्जैक्ट नीचे टू को प्लेस करेंगे, क्योंकि टू इज द जस्ट अ नंबर नॉट अ डेसिमल नंबर। सो थ्री और टू फाइव, और ये आंसर आ जाएगा 5.125। क्लियर हो गया जी। आगे है 10.1.25 कर्ली ब्रैकेट 12.099 डिवाइडेड बाय दिस वन, यहाँ कोई बार नहीं है, हमने जस्ट सिंपली सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को। डमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी और फिर एडिशन, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू को, हमारे पास आंसर बनता है 2583। अगेन पॉइंट टू पॉइंट काउंट करेंगे, हमने विदाउट पॉइंट पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली, वन टू थ्री, थ्री वैल्यूज बनती है ना ये हमारे पास, तो हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, वन टू थ्री और 2.583 आंसर आ जाएगा। हम लोग 2.583 आंसर प्लेस कर देंगे और 1.45 उसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड, 1.45 को 2.53 में जब ऐड किया तो आंसर आता है 4.033। अब हमने स्मॉल ब्रैकेट, हमारे पास फंक्शन ख़त्म हो गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मैथमेटिकल हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास फंक्शन है डिवीजन का, सो वी विल डिवाइड दीज टू वैल्यूज़, 12.099 विल डिवाइडेड बाय 4.033, 4.033 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आता है 12.09, सो आंसर विल बी 3 आफ्टर डिवीजन, हमने 3 प्लेस कर दिया। नाउ वी विल जस्ट ऐड 1.25 प्लस 3 इज इक्वल टू 4.25, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने अपने माइंड में डमास रूल रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर।